that the evidence gathered is relevant to the assertion he is auditing. Consider the following statement and determine whether it is true or false. If false, what is the correct assertion? Fixed assets. Select sample from fixed asset register and careful inspection of a vehicle registration document provides the evidence of the existence. True or false? False. तो फिर सही आंसर बताए. Rights and obligations. अगर आप कागजात देख रहे हैं तो उससे existence का पता नहीं चलेगा, उससे rights and obligation का पता चलेगा सब. हालांकि ये audit procedure है, इससे ऑडिट एविडेंस भी मिलेगा लेकिन लेकिन रेलिवेंट नहीं मिलेगा. क्यों रेलिवेंट नहीं मिलेगा? बिकॉज जो एजर्शन है ये उसको एड्रेस नहीं कर रहा. बच्चा यहां तक बात समझ आती है हमें? जबरदस्त. सेलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम फिक्स्ड एसेट रजिस्टर एंड ट्रेस इट टू द फिजिकली हेल्ड एसेट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट. ट्रू है. अगर आप फिक्स्ड रजिस्टर को चेक करते हो और जाके फिजिकली एसेट देख लेते हैं तो उसका मतलब है ये एसिड वाकई में एग्जिस्ट कर रहा है. दोस्त क्लियर है इसमें? हम सेलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम फिजिकली हेल्ड एसिड एंड ट्रेस इट टू द फिक्स्ड एसिड रजिस्टर प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ द फिक्स्ड एसिड. जबरदस्त. इन्वेंटरी. सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम इन्वेंटरी रजिस्टर एंड केयरफुल इंस्पेक्शन ऑफ अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज गुड्स रिसीव्ड नोट एंड invoices provides the evidence of the existence of the inventory. हाँ जी, true false? सही. Rights and obligation. Selecting a sample from inventory register and trace it to the physically held inventory provides the evidence of the completeness of the inventory. False. सही answer क्या होगा? जबरदस्त प्यारे बच्चों. Selecting a sample from physical held inventory and trace it to the inventory register provides the evidence of the existence. नहीं जी, correct answer क्या होगा? Completeness. क्या याद है प्यारे बच्चों, बात समझ आती है? एक ऐसी illustration जिससे आपके concept इंशाल्लाह थोड़े से और अच्छे होंगे. बच्चों को जो मुझे थोड़ा सा realize हो रहा है, completeness में थोड़ा सा मसला आ रहा है. एक छोटी सी example दे रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात को. इस example को खत्म करके फिर हम इंशाल्लाह क्लास को ऑफ करते हैं.